राजपूत करणी सेना के राजस्थान अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में दिनदहाड़े हत्या से पूरा राजपूत समाज आक्रोशित है। राजधानी जयपुर में प्रदेश और देश भर से राजपूत नेता पहुंच रहे हैं। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में बुधवार को बंद का आह्वान किया गया है। इसी बीच मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल खबर है कि पंजाब की बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का स्टार संपत मेहरा द्वारा इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी। पंजाब पुलिस से इस तरह की सूचना राजस्थान पुलिस को मिली है। राजस्थान एडीजी एटीएस और एसओजी को ये सूचना दी गई। हालांकि एक तरफ जहां पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को ये जानकारी दी, तो दूसरी तरफ जयपुर पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज नहीं फैलाने का भी अनुरोध किया है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि हरियाणा के डीजीपी से बात की गई है, सीमाओं पर निगरानी रखी जा रही है, आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान में तनाव का माहौल है। पूरे प्रदेश को बंद किए जाने का आह्वान किया गया है। मामले में पुलिस और पिछले सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल पंजाब पुलिस ने इस वर्ष मार्च में ही राजस्थान पुलिस को इस बात के लिए आगाह कर दिया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की प्लानिंग चल रही है और इस बारे में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं राजस्थान पुलिस के एटीएस ने भी इंटेलिजेंस को इस बारे में लेटर लिख दिया था, लेकिन गोगामेड़ी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। ये भी कहा जा रहा है कि खुद गोगामेड़ी भी पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई और वह अपने खर्चों पर गार्ड रख कर अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर रहे थे, जिसको लेकर पूर्व की गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।